ले 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 ले, खाली खाली मारना मत। थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, यार बहुत दिन हो गया और बहुत दिन से कोई वीडियो शूट नहीं हुआ। तो यार आज मैं जा रहा हूँ कांडा मल्ला, क्योंकि बहुत दिन से यार कड़ी भी नहीं खाई है और वहाँ जाके हमें भोटी भाई के घर पे जाना है। और छाछ की व्यवस्था वहाँ पे हो रखी है, उनका फ़ोन आया था कि आप लोग आ जाओ बोल के। तो अभी मैं जा रहा हूँ कांडा मल्ला, वहाँ से मुझे छाछ लेनी है, उसके बाद कड़ी बनेगी। तो यार फिलहाल मैं कांडा मल्ला आ गया हूँ और ऊपर मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे होंगे, यहाँ ऊपर स्कूल है और ये कांडा मल्ला है। और यहाँ मुझे जाना है भोटी भाई के घर पे, क्योंकि वहाँ से लेनी है छाछ और रायता बनाएंगे। सोच रहे हैं यार आज वो बनाएं क्या, भात और रायता बनाएं। यहाँ पे कांडा मल्ला का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से पैदल यात्रा होती है भोटी भाई के घर के लिए, स्टार्ट जो कि लगभग 5 मिनट या 5 मिनट का रास्ता है। फिर यहाँ ऊपर हॉस्पिटल है और ये आयुष्मान भारत यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ से नीचे जाना है हमें भोटी भाई के घर के लिए, सीढ़ियाँ यहाँ से लगी हुई है और यहाँ से नीचे 50 मीटर दूर उनका घर है। यार आजकल झाड़ी बहुत हो रखी है तो यहाँ पे सांप वाम का भी डर होता है, इसलिए देख के चलना पड़ेगा। अरे वाह, यहाँ पे कुछ है, इसे हम बहुत खाते थे यार और अभी ये खाने में बहुत मज़ा आएगा इसे। बॉडी जी शमनिया, सुबह तो मतलब हम कहीं गए थे ना। अच्छा, आप अभी खाना खा रहे हो? बस धन्यवाद। अब हम ना धन्यवाद, अभी हम वो बना ना, वो आज छाछ बना, मतलब कड़ी बना लिया, वो रहता भात। ये है कांडा मल्ला गांव, बहुत सुंदर गांव है और सुंदर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये एक प्यारा सा गांव है। और यार बॉडी बोल रही कि हरी मिर्च लेके जाओ, और इन्होंने यार घर की दाल भी खिला दी, मतलब जबरदस्ती इन्होंने। ना ना बहुत बड़े बहुत बड़े। अच्छा जी जी जी। और यार हमारी बॉडी हमारे साथ में आ रही है, वो जबरदस्ती बोल रही कि मैं वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो हाँ ये सब कद मेरा छे। अच्छा ये सब, अच्छा कद्दू आप गछन कद्दू छे एकदम ले रिया जी जी जी। आप आले ये छे? हां 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 ये लगा हुआ है। हां ये छे, ये भी है। हां ये भी है, बहुत बड़े। ये नीचे है जी जी जी, ये नीचे है। हां एक एक नीचे भी है। देखो कितनी उम्र लग गई, मेरी उम्र लगे मेरी थी। अब ये देखो यार हमारी बॉडी हमारे लिए हरी हरी मिर्च तोड़ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यार यहाँ पे बहुत सारे लाल मिर्च भी लगी हुई है, मतलब पहले ये हरी थी, अब ये पक्की लाल हो गई है और बहुत सारी यहाँ पे हरी मिर्च भी अभी पकनी बाकी है। तो यार काफ़ी सारी मिर्ची और कद्दू, मिर्ची कद्दू और छाछ हमें यहाँ पे हमारी बॉडी ने दिया, और ज़बरदस्ती यार उन्होंने एक कटोरा घर की जो दाल बनी थी ना वो भी हमें पिला दी, और बहुत स्वादिष्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी बॉडी जी को, अपनी दादी जी को, ताई जी को, जो भी हैं। ठीक है बॉडी जी, ओके भाई जी जी जी। फोन कर दिया रे परसों बैठ। तो यार फाइनली हम ऊपर रोड पे आ गए हैं और मेरे पास इतना बड़ा कद्दू है और छाछ पीछे आ रही है, भाई साहब लेकर आ रहे हैं। तो यार थक लग रही है ऊपर चढ़ते चढ़ते, और इसे पीछे रख देते ना।
तो यार बड़ी थकान हो गई है, क्योंकि ये तो गर्मी इतनी हो रही है, उसके बाद कुछ देर पता चलना पड़ रहा है, थक लग रही है, पर ठीक है यार, मज़ा आ रहा है। यार अब हम वापस जा रहे हैं अपने निवास स्थान की तरफ, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे ना वो काम तो हो गया है। छाछ मिल गई, कद्दू मिल गया, और ऊपर यार कंडोली छोटी ना, ये कंडोली बड़ी है, सामने कंडोली छोटी, और यहाँ राइट हैंड पे नीचे सिमड़ी गांव है। अभी हमें देख के भाग गई है बिजी वो सारी, ले ले ले। तो फिलहाल यार आज ये है छिल्लर और ये है ककड़ी। तो आज मुझे रायता बनाना है, उससे पहले मुझे इसे छिलना पड़ेगा, और लेकिन मेरे पास छोटा छिल्लर है। तो यार फिलहाल इतनी देर की मेहनत के बाद ये रायते के लिए ना, मतलब ककड़ी को कद्दूकस कर दिया है, इसके बाद ये छाछ में पड़ेगी। तो यार बहुत सालों बाद आज मतलब रायते के साथ भात खाने का मज़ा लिया, बहुत टेस्टी मतलब रायता बना हुआ था और बहुत मज़ा आया खाने में। तो यार फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।